तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी एस सी वी अपडेट। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोग का जो है आप लोग का फॉर्म जो है कंप्लीट भरा चुका है। सभी बच्चे का, सभी स्कूल कॉलेज के छात्रों ने फॉर्म जो है भर दिया है और आप लोग का 8 अक्टूबर तक यहाँ पर डेट दिया गया है फॉर्म। 8 अक्टूबर तक आप लोग का डेट दिया गया था फॉर्म भरने का और आप लोग का फॉर्म भी कंप्लीट भरा चुका है। फॉर्म फिलअप सभी छात्रों ने कर दिया होगा लगभग, और 8 अक्टूबर जितने भी छूटे हुए छात्र है वो भी फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। और आप लोग का बात आ रहा है कि डमी एडमिट कार्ड आप लोग का कब जारी होगा। हर साल बिहार बोर्ड कब डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है और कितना आप लोग का डमी एडमिट कार्ड रहता है, मतलब कि कितना, यानी कि आप लोग को बता दें कि आप लोग का 3 डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 3 डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो आप लोग का पहला डमी, ये जो आप लोग का डमी एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है बिहार बोर्ड द्वारा, वो ये पहला डमी एडमिट कार्ड है। साथ ही साथ बताने वाला सेंटअप एग्जाम का एडमिट कार्ड जो दोस्तों आप लोग कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप लोग को बताता हूँ क्या आप लोग को पूरा न्यूज। सबसे पहले आना है आप लोग को क्रोम ब्राउजर पर, यहाँ सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप लोग को सर्च कर देना है। उसके बाद आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आप लोग को न्यू अपडेट दिखेगा, देख सकते हैं न्यू अपडेट मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक करना है तो आप लोग इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग को दिखेगा बिहार बोर्ड इंटर द डमी एडमिट कार्ड 2023 कब आएगा। अभी बता दें बिहार बोर्ड ने डमी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। आप लोग फेक वीडियो से जो है सावधान रहिएगा, डमी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। देख सकते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया एडमिट कार्ड का फॉर्म डेट 8 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है 8 अक्टूबर कभी भी इंटर का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 8 अक्टूबर तक आप लोग का फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद बिहार बोर्ड क्या करेगा, डमी एडमिट कार्ड तैयार करेगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप हो जाएगा 8 अक्टूबर तक, यानी आप तो ज़्यादातर स्टूडेंट कर ही दिए होंगे। अब बिहार बोर्ड क्या करेगा, अब जो है आप लोग का जो है डमी एडमिट कार्ड जो है 8 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच पहला डमी एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड जारी कर देगा। यही आप लोग के लिए जो है रूल होता है हर साल का। और साथ ही साथ बता दें कि आप लोग का जो है सेंटअप का एडमिट कार्ड जो है आप लोग को स्कूल कॉलेज में मिलेगा, जाके एक बार उठा लीजिएगा सेंटअप का एडमिट कार्ड, तो आप लोग स्कूल कॉलेज में ही मिलेगा। तो यहाँ पर और बता दें कि 11 तारीख सेंटअप का एग्जाम इंटर का शुरू हो रहा है, तो आप लोग जो है इसके लिए वायरल क्वेश्चन पाने के लिए सेंटअप में जो आप लोग को पूछा जाएगा ज़्यादातर वायरल क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करिएगा, वहाँ आप लोग को सेंटअप का मिलेगा दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिंक दे दिया गया है डमी एडमिट कार्ड, जहाँ से आप लोग को हर साल बिहार बोर्ड जिस लिंक पर बिहार बोर्ड डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है वही लिंक यहाँ प्रोवाइड किया गया है। बस यहाँ पे बस ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आएगा डमी एडमिट कार्ड को लेकर जारी कर दिया जाएगा। 12th क्वेश्चन बैंक का लिंक है, क्वेश्चन बैंक यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर का लिंक दिया गया है, 10th मॉडल पेपर का लिंक है, सेंटअप एग्जाम का टाइम टेबल रूटीन आप लोग का है, फाइनल एग्जाम का रूटीन है, सब कुछ यहाँ देख सकते हैं। सेंटअप एग्जाम में नज़दीक है इसलिए रूटीन देख के आप लोग पढ़ाई करिएगा, किस दिन किस विषय का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद देखिए आप क्या बताया गया, बिहार बोर्ड ने एक और बड़ी सूचना दी, सभी विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में शामिल होने के बाद ही ओरिजिनल एडमिट कार्ड विद्यार्थियों का हाथ लगेगा। सेंटअप परीक्षा में जो जो विद्यार्थी शामिल रहेंगे उन सभी विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा। सेंटअप एग्जाम 21 तक चलेगा, तो 21 तक आप लोग का डमी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया या 21 के बाद आप लोग का डमी एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, डमी एडमिट कार्ड उसी छात्र का आएगा जो सेंटअप एग्जाम में शामिल हुए होंगे, इसलिए सेंटअप एग्जाम में शामिल होइएगा और तभी आप लोग डमी एडमिट कार्ड हाथ लगेगा, नहीं तो आप लोग का डमी एडमिट कार्ड नहीं आएगा और ना ही फाइनल एडमिट कार्ड आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका होगा।